जयपुर के हरमाड़ा में प्रस्तावित नींदड़ आवासीय योजना विवादों में आ गई है। योजना में आवक्त भूमि को लेकर नींदड़ के किसान जमीन समाधि सत्याग्रह कर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के तीसरे दिन भी 5 लोग जमीन समाधि लगाकर विरोध करते दिखे। वहीं एक आंदोलनकारी की तबीयत इस दौरान बिगड़ गई, जिसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भिजवाया गया। किसानों की अगुवाई कर रहे डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार को पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। इधर इस मामले को लेकर बुधवार देर रात को जेडीए जोन 12 में डिप्टी कमिश्नर मनीष फौजदार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन धरने पर बैठे किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई। इधर डिप्टी कमिश्नर मनीष फौजदार ने बताया कि किसान पहले ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट का फैसला भी जेडीए के पक्ष में आया। उन्होंने कहा कि कई किसानों को आज मौके पर भी आरक्षण पत्र दिए गए। कुछ किसान ये चाहते हैं कि योजना विकसित हो, इससे किसानों का हित ही होगा, लेकिन अब नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इस भूमि को आवक्त करना असंभव है। ऐसे में अब दोनों तरफ से ये फंसा पेच सुलझता हुआ फिलहाल तक नजर नहीं आ रहा है। हमारा तीसरा दिन है और पिछले 3 दिन से हम लगातार इस कड़कड़ाती और ठंड के अंदर हम सब लोग लगातार जमीन समाधि सत्याग्रह यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं। गांव के सभी किसान, महिलाएं सब यहाँ पर उपस्थित हैं। दिन और रात 24 घंटे हमारा जमीन समाधि सत्याग्रह यहाँ चल रहा है, लेकिन बड़ा दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि अभी तक भी एक संवेदनशील सरकार का दावा करने वाली कांग्रेस की सरकार जो वर्तमान में है, उसके किसी भी प्रतिनिधि ने अभी तक हमसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया, बातचीत का कोई प्रस्ताव हमें नहीं मिला है। लेकिन हम यहाँ पे सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार चाहे कितना भी देर लगाए हमसे बात करने में, हमारा ये आंदोलन पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ इसी तरीके से जारी रहेगा।